खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां आज दिनांक 17 नवंबर रविवार को मऊ जनपद के जिला चिकित्सालय में मारवाड़ी समाज द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मन में समाज सेवा की भावना लिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। इस दौरान लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया, जहाँ रक्तदान के लिए आए लोगों के स्वास्थ्य की मुफ्त में जांच की गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अखिल भारतीय मारवाड़ी संगठन के अध्यक्ष मुरारी केडिया ने कहा कि मारवाड़ी समाज हमेशा से सेवा में विश्वास करता है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। और इसी क्रम में आज मारवाड़ी समाज द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और हमारा यह प्रयास रहता है कि हम कम से कम साल में 2-3 बार इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर सकें, जिससे कि लोग अपना रक्तदान करें और जिन्हें जरूरत है उन्हें वक्त पर रक्त मिल सके और उनकी जान को बचाया जा सके। इसी उद्देश्य से हमारे द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया और इसी के साथ जो लोग अपना रक्तदान करने आ रहे हैं उनका मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपना रक्तदान किया। कार्यक्रम में मऊ जनपद के घोसी विधानसभा से विधायक विजय राजभर भी पहुंचे। इस मौके पर क्या बोले विधायक विजय राजभर, देखें आगे के वीडियो में। रक्तदान शिविर का आयोजन था, आप आए हैं, कैसा क्या था? ये समाज के वो लोग हैं जो समाज को हर मुद्दे पे जागरूक करते रहते हैं और उसी का एक हिस्सा था रक्तदान शिविर। हमारे मारवाड़ी युवा मंच, राजस्थान सेवा समिति, जैन समाज, अन्यत्र जितने राजस्थानी परिवार हैं, जो भी मारवाड़ी लोग हैं, ये मैं देखा करता हूँ समाज में अहम भूमिका इनकी रहती है। किसी भी प्रकार की जागरूकता, जैसे स्वास्थ्य से हो, शिक्षा से हो, मैं बचपन से ही चूँकि यहाँ रहा हूँ, इन लोगों को देखता रहता हूँ। आज ही जो था रक्तदान शिविर, कम मात्रा है, इनकी हिम्मत बहुत बड़ी है इनकी। मैं इनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, इनके साथ को विश्वास दिलाने के लिए मैं आया था कि आपके हर कदम पर मैं साथ हूँ। ये रक्तदान का शिविर था, जागरूक कर रहे थे लोग। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है यहाँ के जो विधायक हैं मुख्तार अंसारी, वो तो जेल में है, लेकिन आप कमी पूरी कर रहे हैं यहाँ के विधायक की, हर जगह। अब वो आपका विषय है, आप समझ सकते हैं, जनता जितना मुझसे कहेगी, और यहीं का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ मुझको चाहेंगे वहाँ पाएंगे। ये तो हमारा मऊ जनपद और घर है, तो घर की चिंता कैसे होती है मैं जानता हूँ। अपने परिवार का पूरा संरक्षण करूँगा, रक्षा करूँगा, सुरक्षा करूँगा। आपके विधानसभा वासियों के लिए, जनपद वासियों के लिए कोई संदेश? हमारे जनपद वासी, हमारे विधानसभा वासी और खास करके हमारे विधानसभा के क्षेत्र के लोग बहुत ही अच्छे हैं। उनके बीच में मेरा जाना हो रहा है, उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि विधायक जी आप आ रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। कोई काम नहीं उनका, कोई काम ही नहीं। वो बता रहे हैं कि वर्षों बाद कोई ऐसा विधायक हुआ जो हमारे बीच आ रहा है, और मैं उन्हीं लोगों के बीच में जा करके उनका आशीर्वाद लिया। अपना परिचय दें। मैं मुरारी केडिया, अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का अध्यक्ष हूँ। रक्तदान शिविर का आयोजन ये किया गया, किसकी तरफ से किया गया, कैसा ये क्या था? देखिए, मारवाड़ी समाज हमेशा से विश्वास करता है सेवा में, दूसरों की सेवा करने में वो उसका मतलब कि सबसे बड़ा सिद्धांत है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं। ब्लड डोनेशन, जिसको कि एक महारक्तदान, एक महादान कहा जाता है, तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि साल में 2-3 बार इस तरह से हम लोग इस तरह का आयोजन करें, जिसमें कि हम लोग अपना रक्तदान करके और जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को वो रक्तदान मिल सके और उनको जीवन मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पे इस शिविर का आयोजन किए हैं। इस शिविर के साथ साथ हम लोग ने यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं कि उनको केवल रक्तदान का ही का बेनिफिट न मिले, साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी परीक्षण हो जाए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने शिविर रखा हुआ, जिसमें कि निःशुल्क मतलब उनके स्वास्थ्य का प्रशिक्षण भी हो रहा है, जो कि बाहर जाके कराने में काफ़ी खर्चीला होता है, यहाँ पर उनका वो चीज़ तो फ्री में हो जाता है। इस उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया। लगभग कितने लोग आए होंगे और कितनों ने रक्तदान? देखिए, हम लोग का उम्मीद था 100 लोगों का था, लेकिन फिर भी अभी तक जो आप हम लोग देख रहे हैं कि 50 के करीब लोग आ चुके हैं, और अभी ये आपकी शिविर काफ़ी लंबा समय तक चलेगा, 3 बजे तक चलेगा, तो उनको लगता है कि हम लोग का जो टारगेट है 100 का, वो जल्दी अचीव हो जाएगा, हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाएगा।